नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर समाचार। मैं रामगोपाल धनगर। देखिए हर खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर सबसे तेज, सबसे पहले। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए सबसे पहले, सबसे तेज हर खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। नमस्कार, आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक नर हाथी की ट्रेन से टकराकर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे से वन विभाग में खलबली मच गई है। घटना चंदनपुर गांव के पास की है, जहां सोमवार देर रात कोटद्वार से दिल्ली जा रही एक ट्रेन की चपेट में आने से हाथी की जान चली गई। रात करीब 9 बजे हुई इस घटना में ट्रेन की टक्कर से हाथी दूर जाकर गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लगभग 20 मिनट तक ट्रेन कुछ दूरी पर रुकी रही। मौके पर पहुंची आरपीएफ टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और ट्रेन को आगे रवाना कर दिया। वन विभाग और ग्रामीणों की प्रतिक्रिया हादसे की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। नजीबाबाद डीएफओ वंदना फोगाट ने बताया कि मारा गया हाथी एक वयस्क मेल एलिफेंट था, जिसकी उम्र 25 साल से अधिक थी। डॉक्टरों की पैनल टीम से हाथी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटना के बाद चंदनपुर गांव और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने हाथी की मौत पर दुख व्यक्त किया। वन विभाग की टीम ने ट्रैक और आसपास का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में।